हेलो एवरीवन, आज मैं आपको करवाऊंगी नेकलेस चैप्टर की समरी। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में बेसिकली दो मेन करेक्टर है। पहली करेक्टर मैटिल्डा लॉयसल और दूसरी करेक्टर है हमारी मैटिल्डा लॉयसल के बाद। इसमें बेसिकली जो चैप्टर है वो डील करता है कि एक लेडीज़ की या एक लड़की की या एक वुमेन की कैसी अपनी थिंकिंग ज़्यादा होती है और कैसी उसकी कहते हैं ना नीड और उसकी लग्जरी आइटम्स में उसे बैलेंस करना नहीं आता। इसमें दूसरी करेक्टर है मिस जेनी फॉयस्टर। देखो ये लिखा मिस जेनी फॉयस्टर, ये इसकी फ्रेंड होती है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ये जो मैटिल्डा लॉयसल थी ये एक अपने फ्लैट में रहती थी और यही इसकी समरी है। आप इसी समरी को अपने नोटबुक में नोट डाउन करोगे, सबसे इजी समरी है। वो एक फ्लैट में रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। उसका जो हस्बैंड था वो एक क्लर्क की पोस्ट पे था, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में क्लर्क की पोस्ट पे था। अब क्लर्क इतने अमीर तो होते नहीं, आपको पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा एक लग्जीरियस लाइफ अपने वाइफ को दे सके तो वो लग्जीरियस लाइफ तो दे नहीं सकता था। तो वो काफ़ी मतलब पुअर कह लो या सिंपल लिविंग कह लो या मिडिल क्लास कह लो, वो मिडिल क्लास लोग थे। मैटिल्डा की एक इच्छा थी कि वो बहुत अमीर हो जाए। उसे बहुत ही कि उसकी फैंटेसी, उसका ड्रीम था अच्छे अच्छे कपड़े पहनना, अमीरों वाली ज़िंदगी जीना, मेड्स रखना एंड ऑल दैट एंड ऑल दैट। वो बहुत इरिटेट हो जाती थी कि उसका घर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, मतलब शादी के बाद उसका घर इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है। किसका? मैटिल्डा का। वो अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहनना चाहती थी, अच्छे अच्छे ज्वेलरी पहनना चाहती थी, बट अफसोस वो ये सब नहीं कर पाती थी। एक दिन उसके हस्बैंड एक उसके लिए इनविटेशन लेके आता है एक फैंसी पार्टी का, यानी एक अमीर पार्टी का। वो इनविटेशन बॉल होती है और वो सोचता है कि मेरी वाइफ काफ़ी खुश होगी क्योंकि उसे पता है मेरी वाइफ को ऐसी महंगी महंगी चीज़ें करना, अच्छे अच्छे शौक पूरे करने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन क्या असली में होगा? जैसे ही उसने उसे इनविटेशन दिया उसके हस्बैंड ने, उसने उस इनविटेशन को उठा के फाड़ के फेंका और दूर फेंका। और उसकी वाइफ खुश होने के बजाय, एक्साइटेड होने के बाद बजाय उसे इस बात पे गुस्सा आ गया कि ये मतलब मेरे पास तो कोई कपड़े नहीं है, मेरे पास तो कोई ज्वेलरी नहीं है, मैं कैसे जाऊँ उस पार्टी में। तो उसके हस्बैंड ने कहा तुम चिंता मत करो, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा कि मुझे अच्छी अच्छी ड्रेस और ज्वेलरी चाहिए। तो उसके हस्बैंड ने उसे, मैटिल्डा के हस्बैंड ने उसे 400 फ्रेंड्स, ये जैसे हमारे इंडिया रुपीज़ होती है, इंडिया की करेंसी रुपीज़, वहाँ की करेंसी फ्रेंड्स होती है, उसने उसे 400 फ्रेंड्स रुपए दिए एक प्रिटी सुंदर सी ड्रेस लेने के लिए। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में चैप्टर के बताया था वो इतना अमीर तो था नहीं, तो फिर वो क्या करता? तो उसने 400 फ्रेंड्स दिए और वो फ्रेंड्स भी उसने अपने बचा रखे थे अपनी सेविंग में से एक राइफ़ल खरीदने के लिए, राइफ़ल मतलब बंदूक खरीदने के लिए, लेकिन उसने उस अपने वाइफ को दे दिए। अब एक अच्छी वाइफ का क्या फ़र्ज होता है? वो उसमें खुश हो जाए या ऐसा मैनेज करे कि अपनी ज्वेलरी वगैरह और सब ले आए? लेकिन वो जाके 400 फ्रेंड्स का अपनी ड्रेस ले आती है। अब उसके पास क्या नहीं होती? ज्वेलरीज नहीं होती, है ना। तो वो कहती है कि उसकी वाइफ फिर गुस्सा हो जाती है कि मेरे पास ड्रेस तो है, मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है पहनने के लिए, लेकिन अब उसके पास कोई पैसा नहीं होता उसके हस्बैंड के पास। वो उसे सजेशन देता है कि तुम जेनी फॉयस्टर जो तुम्हारी फ्रेंड है, तुम उनके घर जाओ और एक अच्छा सा नेकलेस ले आओ। तो मैटिल्डा जाती है और एक उसका अच्छा सा नेकलेस, स्पार्कलिंग सा नेकलेस ले आती है अपने लिए। फिर मैटिल्डा का हस्बैंड और वो पार्टी में जाते हैं, उन्होंने खूब इन्जॉय करते हैं और सब लोगों का अटेंशन मैटिल्डा के ऊपर ही होता है। क्यों? क्योंकि उसने इतना भारी इतना प्यारा नेकलेस पहन रखा, तो ड्रेस तो प्रिटी होती है, तो सब लोगों का अटेंशन उसके ऊपर जाता है। वो एक बहुत अटेंशन सीकर लेडीज होती है, तो उसे ये बात बहुत अच्छी लगती है। अब क्या होता है, जैसे वो घर पहुंचती है तो घर पहुंचने के बाद मैटिल्डा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि जो नेकलेस उसके गले में था वो अब उसे नेकलेस नहीं मिलता किसी मैटिल्डा को। वो सोचती है कि वो मेरा नेकलेस कहीं खो गया होगा। तो वो वापस उसी रास्ते पे जाते हैं जिस रास्ते से आए थे, सारी जगह सर्च आउट करते हुए जाते हैं कि मेरा मतलब उसका नेकलेस कहाँ गया, कहाँ खो गया। वो जैसे सर्च करते हुए जाते हैं तो वो फाइंड आउट करते हैं कि उन्होंने, वो कैब में देखते जिस गाड़ी से गए थे, रास्ते में देखते हैं, बट उन्हें कहीं पर भी स्ट्रीट्स वगैरह पर वो नहीं मिलता। मोर ओवर वो पुलिस में भी रिपोर्ट लिखवाते हैं, एडवर्टाइजमेंट भी छपवाते हैं कि लॉस्ट 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 हमारा नेकलेस खो गया, बट सब कुछ वेस्ट होता है, उसे नहीं मिलता। अब क्या होता है, उसे बहुत ज़्यादा दुख लगता है और इतना महंगा नेकलेस वो कहाँ से ले। तो अब वो अपने
जो फ्रेंड होती है फॉइस्टर को, मैटिलडा एक लेटर लिखती है और लिख के कहती है कि आपका नेकलेस मेरे से क्लैप्स हो गया, क्लैप्स मतलब टूट गया, ब्रोकन हो गया, अब वो रिपेयर होने के लिए गया हुआ है, ठीक है। मीन वाइल क्या होता है, वो एक सिमिलर नेकलेस देखने जाते हैं कि भाई देखो ये टूट गया तो चल कोई और देख लेते हैं, और उन्हें पता चलता है कि उसके जैसा दूसरा नेकलेस 36,000 फ्रेंड्स का है, 36,000 फ्रेंड्स, और उसके हस्बैंड ने उसे ड्रेस के लिए कुल 400 फ्रेंड्स दिए थे, और उसके हस्बैंड के पास अपने जीवन की सारी पूंजी मिला के 18,000 फ्रेंड्स होते हैं, ठीक है, यानी उसके आधे 36,000 फ्रेंड्स का वो नेकलेस होता है और 18,000 फ्रेंड्स उसके पास होते हैं। हाउएवर वो सोचता है कि बाकी के जो पैसे होते हैं या बाकी की मेरी चीज़ें होती हैं वो सारी लेना मैं बोरो कर लूँगा, वो सारी चीज़ें ना मैं मतलब अब ना मैं नेकलेस लेने के लिए पैसा तो ज़्यादा चाहिए और मेरे पास इतना पैसा है नहीं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने अगले 10 साल लगे रहते हैं उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए, और 10 सालों में भी मिला के उनके पास उतना पैसा मतलब बड़ी मुश्किल से उन्हें कलेक्ट करना होता है। इतने में वो अपने फ्रेंड को यही कहते रहते हैं कि वो टूटा हुआ है मैं अभी देती हूँ, और जबकि उसकी फ्रेंड इतनी अमीर होती है उसे इतना फ़र्क पड़ता नहीं है, ठीक है। इन 10 सालों में उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वो बड़े घर से छोटे से अपार्टमेंट में चले जाते हैं, मैटिलडा को जो इतनी शाही लेडीज़ होती है उसे खुद घर के काम करने पड़ते हैं, खाना खुद बनाना पड़ता है, सफाई खुद करनी पड़ती है, जाया जाता है उसके हस्बैंड ने भी मल्टीपल एक साथ ओवर टाइम किया काफ़ी सारी जॉब के अमाउंट कलेक्ट करने के लिए, वो क्या होता है बहुत ही गरीबी में दिन काटते हैं, और वो बहुत एजेड भी लगने लग जाती है मैटिलडा। अब जब एक दिन वो मिसेस जेनी फॉस्टर को घूमते हुए देखती है तो वो सोचती है कि अब मैं इसे नेकलेस का सच बताती हूँ और इसे इसके पैसे भी दे देती हूँ। जैसे 10 साल बाद वो जाता है तो वो देखते वो जाके बताती है कि जो मैंने तुम्हें लेटर लिखा था ना, असल में उस लेटर में कोई सच्चाई नहीं, और सच्चाई बात तो ये है कि मेरे से तुम्हारा नेकलेस खो गया है, और उस नेकलेस की वर्थ वो मेरा नेकलेस खो गया, और अब मेरे पैसे कलेक्ट हो रहे हो जाएंगे फिर मैं तुम्हें दे दूँगी। ये बात सुन के मिसेस जेनी फॉस्टर हंसती है और वो कहते हैं अरे वो तो एक फेक एक नकली नेकलेस था, मेरा नेकलेस की कीमत तो कुल 500 फ्रेंड्स थी, 400 तो उसके हस्बैंड ने उसको ड्रेस के लिए दिए थे, मेरे ड्रेस की कीमत तो कुल 500 फ्रेंड्स थी, तुम मैं ना क्या पागलों वाली बातें सोचती हो। एंड द चैप्टर ओवर। तो इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है ये भी आप अपने नोटबुक में नोट डाउन करना। ये स्टोरी बताती है कि ज़्यादा हमें लग्जरियस चीज़ों के पीछे नहीं भागना चाहिए, जितना हमारे पास है हमें उससे सेटिस्फाई रह लेना चाहिए, डिज़ायर्स ज़्यादा डिज़ायर्स हमें अनहैप्पीनेस देती है, और मोर ओवर वी शुड नेवर हाइड द ट्रुथ, और सबसे बड़ी बात हमें सच्चाई नहीं बतानी छुपानी चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए। अगर वो सच जाके अगर वो ये ना कहती कि मेरा तुम्हारा नेकलेस टूट गया वो रिपेयर होने के लिए गया है, तो वो उसे हो सकता है वो 10 साल पहले ही उसे ये बात पता चल जाती कि ये नेकलेस की वैल्यू इतनी नहीं, और मैं 10 साल इतनी सारी परेशानियों का सामना ना करना पड़ता। तो आई होप फुल स्टूडेंट्स आपको चैप्टर समझ आ गए होगा, फिर भी आपके दिमाग में कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ लेना, क्वेश्चन आंसर्स मैं दे दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हो अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।